हेलो दोस्तों, मैं सिलेनविस्ट न्यू ब्लॉग के साथ। पहले तो आपका दिल से धन्यवाद मेरी पिछले दो वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, और ये प्यार अपना बरकरार रखे, बनाए रखे, अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद बनाए रखे और वीडियो में बने रहे। वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिए, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों आज हम आ रखे हैं गराड़ कल्विस्ट गोलजू के मंदिर पे। वो जो नीचे दिख रहा है वो है गुलजी का मंदिर, ये है मेन मंदिर जो दिख रहा है आपको। ये देखते हैं, चलो ये है मेन मंदिर, वहाँ के थोड़ा पास आके जाम दिखाया जाएगा। वहाँ के दर्शन आपको नहीं करा सकते क्योंकि हॉल है ना, वहाँ प्रतिबंध है या कह सकते हो कि नहीं जा सकते। वहाँ के दर्शन आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ये लीजिए, अब यहाँ का लुत्फ उठाइए। हम यहाँ पर पूजा देने आ रखे हैं, वो और वो रही हमारी बकरी, ये हमारी बकरी है, देने आ रखी पूजा हम। और यहाँ पूजा करके जो भी बनता है बनाते हैं यहाँ पर। और ये हमारे सचिन भाई साहब है, ये हमारे यू कह सकते हैं ड्राइवर भी है, और ये बहुत दूर से आ रखे हैं, देख रहे हैं सहारनपुर से आ रखे हैं अभी पूजा के लिए, पूजा के लिए आ रखे हैं और काफ़ी खुश है। आप क्या कहना चाहोगे आज के बारे में, कैसे महसूस कर रहे हो आपको यहाँ पर? हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस आपने जो बेइज्जती की है वो बकरे से। बकरे की तो फीलिंग, उसे हलाल होना है वो तो वो जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आ रखे हैं गोलू भाई, कहाँ से आ रखे हो आप? मैं घर से। घर से तो आ रखे, लेकिन आप यहाँ किस मकसद से आ रखे हो? आपकी क्या क्या मनोकामनाएं हैं? हमारी मनोकामनाएं तो मटन चिकन खाने, मटन खाना, ये मनोकामना देख ले। आज कल का युवा ये चाहता है कि दर्शन करने आता है या मटन खाने आता है, इनका मेन मकसद ये है। आप दर्शन करना आते हो फिर कुछ एक वो आता है, ये आ रखे हैं और ये है बिल्कुल वैसी आवाज है, ये नीचे इंडिया पता नहीं क्या नाम है नीचे मंदिर है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए, कैडी है बहुत तेज है मैं कह रहा ऐसे। और ये झूला झूलने के लिए भी है, और यहाँ बहुत सारी कन्याएं हैं, अति सुंदर, सुंदर नहीं। और व्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, धूप बहुत तेज मेरी आंखों पर, इसलिए मैं व्यू नहीं सकता। अगर आप थक चुके तो भी यहाँ भी सामने जो है विश्राम गृह है, और यहाँ अपने पूजा कर सकते हैं। और ये हमारी बकरी है, तो आपको और का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर दर्शालों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, जो दिख रहा है ये मेन मंदिर ही नीचे है, यहाँ काफ़ी भीड़ दिख रही है। ये मेन मंदिर है, बहुत ही मान्यता इस प्राप्त है यहाँ पर इसकी। और इसी के साथ अपने ब्लॉग, मुझे बहुत काम है इसलिए आप यहीं पे ब्लॉग को समाप्त करते हैं। दर्शालों की काफ़ी भीड़ है, यहाँ का थोड़ा नज़ारे देख लीजिए थोड़ा, ये है काफ़ी भीड़ है वो नीचे से। और तो देखिए ये और ये ऊपर का व्यू है, व्यू दिखा रहा और ये देख ले, ये बंदर ताक में बैठा कि कोई भी केले हेले थोड़ा बाहर को आए और उसका खाए जाए, सर्वनाश कर दिया जाए। ये नहीं ये एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए, और नंदिना को मेरे प्यार, और मेरे उम्र दोस्तों को मेरे हेलो हाय, और ठुला को मेरे पैलग। बस धन्यवाद।